गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप लोग की रिक्वेस्ट पे बनाया गया है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। आपने कहा था कि मैम लिक्विडेशन ऑफ कंपनी पे एक वीडियो बनाइए, तो उसी के लिए वीडियो बनाया बेटा। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मतलब क्या? वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। वाइंडिंग अप यानी हम कंपनी को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम कंपनी को ख़त्म करते हैं या वाइंड अप करते हैं, तो ये एक प्रोसेस होती है, और इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी कंपनी को क्लोज कर देते हैं, या अपने कंपनी के वर्क को या ट्रांजेक्शन्स को, एक्टिविटीज़ को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपनी फिनिश हो रही है, ये कितने तरह से फिनिश होती है, तो मैंने इसके लिए लिखा है आपको क्या कि मोड ऑफ वाइंडिंग अप है ना, या मोड ऑफ लिक्विडेशन। कौन कौन से दो मोड मैंने आपको लिए हैं इसमें? मैंने सबसे पहला लिया है इसमें वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, और वॉलेंटरली मतलब कंपनी अपनी इच्छा से ख़त्म हो रही है या ट्रिब्यूनल के द्वारा ख़त्म हो रही है। तो ट्रिब्यूनल या लॉ के द्वारा कब ख़त्म होती है उसकी कंडीशंस अलग हैं, और अपने मन से इच्छा से वॉलेंटरली कब ख़त्म होती है उसकी कंडीशंस अलग हैं। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं ट्रिब्यूनल से कैसे ख़त्म होती है। अनेबल टू पे डेब, जब डेब का मतलब होता है अपनी लाइबिलिटीज़, जब वो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने के कंडीशन में नहीं होती है, इसका मतलब इनडायरेक्टली वी कैन से कि वो इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में जा रही है। उसका क्या हो रहा है? दिवाली और इंसॉल्वेंट हो रही है। उस कंडीशन में उसको लॉ कहता है कि आप अपना काम ख़त्म, मतलब आप अपना एग्जिस्टेंस ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि अब आप डेब्ट का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड कंडीशन है एक्शन अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। जिस देश में आपने अपनी कंपनी बनाई है, यदि आप उसके इंटरेस्ट के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, मतलब आप देश की भलाई के लिए नहीं बल्कि देश की ग्रोथ के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, तो भी आपको बाय लॉ फोर्सफुली आपको वाइंड अप करा दिया जाएगा कंपनी का, ठीक है। देन इफ़ जो आपकी कंपनी है वो सिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो भी आपका वाइंड अप कर दिया जाएगा। सिक यानी वो बीमार उद्योग जिसको हम कहते हैं, सिक इंडस्ट्रीज़ में यदि कन्वर्ट हो रही है, तो भी आपकी कंपनी का क्या हो जाएगा? वाइंड अप हो जाएगा, आपकी कंपनी का लिक्विडेशन हो जाएगा। फ्रॉडफुल, यदि आपने कोई फ्रॉड किया है या कोई लॉ के ऑपोजिट काम किया है ना, या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा है कि जिसमें लॉ के अगेंस्ट आप जा रहे हैं या किसी से फ्रॉड कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आपकी कंपनी का वाइंड अप करा दिया जाएगा या आपकी कंपनी ख़त्म करा दी जाएगी फोर्सफुली बाय लॉ। एंड इसमें है डिफॉल्ट इन फाइलिंग रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट। यदि आपने अपने, इसमें ध्यान रखिए, इसमें 5 ईयर्स का वो टाइम है, यदि आपने 5 साल से रिटर्न फाइल नहीं करे हैं, अपने स्टेटमेंट नहीं बनाए हैं, तो आपको फोर्सफुली वाइंड अप करवा दिया जाएगा, ठीक है। इन कंडीशन में से जो भी एक कंडीशन होगी, तो आपका क्या होगा? बाय लॉ से आपका वाइंड अप होगा। और सेकंड कंडीशन हम देखते हैं कि वॉलेंटरी वाइंड अप। तो ये इसका मतलब है कि अब हम अपनी इच्छा से वाइंड अप कर रहे हैं, मतलब हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा है, बाय लॉ नहीं कह रहा है कि आप वाइंड अप करिए, लेकिन हम वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। उस केस में हमारी पहली कंडीशन क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ ड्यूरेशन। मान लीजिए हमने किसी एक पर्टिकुलर टास्क या ड्यूरेशन या एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमने कंपनी बनाई थी, वो टास्क, वो ड्यूरेशन, वो कंपनी ख़त्म, वो पीरियड ख़त्म हो गया, तब हमारी कंपनी खुद से ख़त्म हो रही है, ठीक है। और सेकेंड इसमें एज अ रिजल्ट ऑफ ए स्पेसिफिक रेजोल्यूशन। अब उसमें इनका ये कहना है कि यदि मतलब ऐसा कुछ है कि आपने कुछ स्पेसिफिक उसके लिए किया था काम, मतलब यहाँ पर क्या है कि कंपनी आसानी से नहीं होती है, हमें इसके लिए एक स्पेशल वो निकालना पड़ता है, मतलब एक प्रपोजल के थ्रू हम इसमें कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट आपको बताया कि वाइंड अप का क्या मतलब है, कंपनी का ख़त्म होना, कंपनी का क्लोज होना, ठीक है। और वाइंड अप कौन कौन से मोड में होता है, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। ये तो दोनों क्या थे, हमारे थ्योरी एस्पेक्ट थे, अब हम इसका थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ले रहे हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या कहता है हमको? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कहता है कि इसका, अब कंपनी जब वाइंड अप हो रही है, तो हम इसका अकाउंटिंग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इसका क्या इफेक्ट जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि लिक्विडेटर इसमें एक अपॉइंट होता है। लिक्विडेटर कौन होता है? ये मैंने लिखा हुआ है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द वाइंड अप। तो वाइंड अप के समय लिक्विडेटर कौन है? लिक्विडेटर वो पर्सन है जो कंपनी में, जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ही इज़ अ थर्ड पर्सन, है ना, और ये कंपनी से इसका कहीं पे कोई रिलेशन भी नहीं होता। इसलिए हम इसको अपॉइंट क्यों करते हैं, क्यों हम ये लिक्विडेटर को अपॉइंट कर रहे हैं और फिर ये एक स्टेटमेंट बना रहा है? तो लिक्विडेटर को इसलिए अपॉइंट किया जाता है क्योंकि यदि कंपनी चल रही थी और अब कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, तो ऑब्वियसली कंपनी की कुछ असेट होंगी और कुछ लाइबिलिटीज़ होंगी,
तो इस लिक्विडेटर का क्या काम है? इस लिक्विडेटर या लिक्विडेटर दो काम करता है। कौन कौन से दो काम करता है? पहला काम क्या करता है, ये एसेट्स को रियलाइज करता है, मतलब एसेट से क्या करता है, कैश रियलाइज करता है, कैश इकट्ठा करता है। और दूसरा काम क्या करता है, इस रियलाइज्ड एसेट से पेमेंट करता है, किसको, पेमेंट टू लायबिलिटीज। मतलब जिस कंपनी का डिसोल्यूशन हो रहा है, जिस कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, जिस कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, वहां पर ये लिक्विडेटर होगा जो कि थर्ड पार्टी होगा, ठीक है। और इसको क्यों अपॉइंट किया जा रहा है, क्योंकि उस कंपनी की सारी एसेट्स से क्या रियलाइज करना है, कितना रियलाइज होगा वो ये देखेगा, और उस कंपनी की सारी लायबिलिटीज को पेमेंट ये करेगा। तो ये लिक्विडेटर क्या कर रहा है कि अब बाद की प्रोसेस को संभाल रहा है, जो वाइंड अप की प्रोसेस है, ठीक। और ये कौन होता है, मैंने आपको कहा थर्ड पर्सन होता है, जैसा कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कंपनी से। मतलब ऐसा, इसको हम थर्ड पर्सन को क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि यदि कोई कंपनी का पर्सन होगा तो मे बी पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज में कोई अपने जान पहचान वालों को पहले पेमेंट कर देगा, है ना। तो इस टाइप की कोई चीज़ें ना हो, बहुत ही कैसा काम हो, फेयर काम हो, इसलिए हम एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लिक्विडेटर। अब देखिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि थर्ड पर्सन है, इसका कंपनी में कहीं कोई लेना देना नहीं है, बट हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं क्यों, ताकि इसके एसेट से कैश रियलाइज कर सके और उसका पेमेंट कर सके। जब ये थर्ड पर्सन, इसको पता नहीं क्या क्या एसेट है और क्या क्या लाइबिलिटीज़ है, तो इसको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसमें बेटा सारी डिटेल्स होती हैं, किस किस की डिटेल्स होती हैं, इसमें सारी डिटेल्स होती हैं कंपनी की एसेट और लाइबिलिटीज़ की। इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को कौन यूज़ करता है, लिक्विडेटर। क्यों यूज़ करता है, ताकि उसे पता हो कि कौन कौन सी एसेट्स हैं, उनसे कितना रियलाइज किया जा सके, और कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं, उनको कितना पेमेंट किया जा सके। तो लिक्विडेटर की कहानी आपको समझ में आ गई, इसमें क्या है। अब ये जो लिक्विडेटर का काम है, ये अपना काम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में करके और हमें कंपनी को वाइंड अप करता है। मतलब एक, अब देखिए, इसको अपॉइंट किया गया तो इसको शो तो करना पड़ेगा कि हाउ उसकी क्या वर्किंग थी, मतलब फ्रॉम वेयर ही इज गेटिंग मनी और कहाँ उसने उसको स्पेंड किया, मतलब इस सोर्सेज और उसका एप्लीकेशन दोनों उसको बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द वाइंडिंग अप, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जिस भी कंपनी का वो वाइंड अप कर रहा है या जिस भी कंपनी को वो ख़त्म कर रहा है, वो उसका नेम ऑफ द कंपनी आएगा यहाँ पर, किस कंपनी के लिए वो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है। द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग, नेचर इसका क्या है, फिर मतलब वो वॉलेंटरली है या बाय लॉ है, वो मतलब यहाँ पे। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द वाइंड अप, कब ये वाइंड अप, कब ये लिक्विडेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द लिक्विडेटर, ये जो लिक्विडेटर था इसका नेम और एड्रेस यहाँ पे होता है, और उसके नीचे हम लिखते हैं कि हमारा वाइंड अप की प्रोसेस या लिक्विडेशन की प्रोसेस कब स्टार्ट हुई और कब ख़त्म हुई, ठीक है। अब ये हमारा एक स्टेटमेंट है, यहाँ से हमारा एक्चुअली अकाउंटिंग पार्ट स्टार्ट होता है। ये बिल्कुल किसकी तरह काम करता है, कैश अकाउंट की तरह। कैश अकाउंट का रूल याद करें, डेबिट में क्या होते हैं, ऑल रिसिप्ट्स, और पेमेंट में क्या होते हैं, ऑल पेमेंट। जो जो कुछ मिल रहा है सब डेबिट में, जहाँ जहाँ पैसा जा रहा है पेमेंट में, बस वही हमको फॉलो करना है, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है, हमें वही हमारी कैश बुक ही बनानी है, ठीक। अब रिसिप्ट में देखिए, इस साइड जो जिसको हम डेबिट साइड कहते हैं, उसको मैंने लिखा हुआ है एस्टीमेट वैल्यू और रियलाइज्ड वैल्यू। एस्टीमेट वैल्यू का मतलब होता है यहाँ पर वो चीज़ एसेट कितने की दिख रही थी और उससे कितना मिला, रियलाइज्ड वसूल कितना हुआ, कितना मिला उससे, ठीक है, दैट इज़ रियलाइज्ड वैल्यू। तो ये दोनों अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई एसेट दिख रही हो 1 लाख की, लेकिन जब हम उसको मार्केट में बेचने के लिए गए, उसको कैश में कन्वर्ट करने गए, तो वो शायद 1 लाख की एसेट जो है वो 80 में ही सेल हुई। या ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख की एसेट 1,20,000 में रियलाइज हो। तो मे बी एस्टिमेटेड वैल्यू, मतलब उसकी जो वैल्यू है और जो एक्चुअली में रियलाइज होती है, वो मे बी सेम, मे बी डिफर, ठीक है, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, मे बी डिफर। इसलिए हम यहाँ पर दोनों भी लिख सकते हैं। और वैसे आप लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो आप सिर्फ ये एक रियलाइजेबल वाला भी कॉलम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ, इसलिए मैंने आपको दोनों कॉलम बनाए, आप सिर्फ ये एक जितना हम एक्चुअली रियलाइज करते हैं उसको भी बस बना सकते हैं, ठीक, और दोनों भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। एक्चुअली इसको तो इसकी जो वैल्यू होगी वही रियलाइजेबल होगी, क्योंकि ये रियलाइज्ड फॉर्म में वसूल कर चुके हैं, मतलब ये कहने का
जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पर्स में 500 का नोट है। अब मैं किसी को ये तो नहीं बोलूंगी कि इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 500 है, तो क्या इसकी रियलाइजेबल वैल्यू भी 500 होगी? ऑब्वियसली 500 ही होगी, क्योंकि उसे रियलाइज नहीं करना पड़ता, वो रियलाइज्ड फॉर्म में, मतलब वो जिस फॉर्म में है, जो वैल्यू शो कर रहा है, वो उतना ही होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे ये वर्ड कई बार क्वेश्चन में यूज होगा। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक में जो भी वैल्यू होती है, उसकी एस्टिमेटेड और रियलाइजेबल वैल्यू सेम होती है, क्योंकि उसे कभी भी रियलाइज नहीं करना पड़ता। जैसे एक टेबल रखा हुआ है, आपको ये नहीं पता कि जब मैं इसको बेचने जाऊंगा तो इससे मुझे 2000 मिलेगा, 1500 मिलेगा, 1000 मिलेगा, 3000 मिलेगा, क्या मिलेगा, यू डोंट नो, राइट? लेकिन यदि आपके पर्स में 500 है, तो आपको पता है कि मैं जहां भी इसको देना जाऊंगा तो उसकी वैल्यू 500 ही होगी। मैं ये नहीं सोचूंगा कि 500 से क्या मैं 1000 का पेमेंट कर दूं, नहीं, 500 से सिर्फ 500 का ही पेमेंट होगा, क्योंकि वो किस फॉर्म में है, रियलाइज्ड फॉर्म में। रियलाइज्ड फॉर्म का मतलब होता है वही उसकी परचेजिंग पावर भी वही है, ठीक है, या उसके बदले में उसकी वही वैल्यू है, ठीक। कैश इन कैश, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक के बाद में मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा है। देखिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग करी है, वैसे फॉर्मेट में नंबरिंग नहीं की जाती है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने नंबरिंग करी है। तो जब आप फॉर्मेट लिखें तो प्लीज़ इस तरह से नंबरिंग ना करें जो मैंने करी है, ये आपको समझ में आए इसलिए मैंने करी है, क्योंकि ये रियलाइज्ड फॉर्म में होता है इसलिए हम इसको सबसे पहले लिख देते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया है मैंने, एसेट रियलाइज। अब हमारी बारी आ रही है उन एसेट को बेच करके उससे अमाउंट कलेक्ट करने की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब मैंने यहाँ पर पहले क्या लिखी हुई है, करंट एसेट लिखी हुई है, उसके बाद में मैंने कौन सी लिखी है, फिक्स्ड एसेट लिखी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले एसेट रियलाइज में मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, लोन एंड एडवांसेस, स्टॉक, यहाँ तक क्या हमारी करंट लाइबिलिटीज है। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड सो ऑन, बहुत सारी एसेट हो सकती हैं। तो यदि आपको क्वेश्चन में वो एसेट बताता है कि स्टॉक इतने का है, डेटर्स इतने का है, प्लांट मशीनरी इतने की, बिल्डिंग इतने की एंड सो ऑन, तो आप बराबर एक के नीचे एक उनके नाम लिखिए एसेट के, और उनसे जो भी रियलाइज हो रहा है उसे लिखते जाइए सामने, ठीक है। अदरवाइज आप इनर कॉलम में लिख के एक इकट्ठा अमाउंट भी अमाउंट कॉलम में निकाल सकते हैं। मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ पर वो एसेट लिखी जाएंगी जो दिख कितने की रही है और उनसे मिल कितना रहा है, वो मे बी डिफर, मे बी सेम, मे बी इंक्रीज, मे बी डिक्रीज, ठीक। जैसे डेटर्स दिख रहे हैं 1000 के या 5000 के, हो सकता है कि दे ऑल डेटर्स आर गुड तो पूरा 5000 मिल जाए, मे बी सम आर बैड तो हमको सिर्फ 4000 ही मिले, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें अमाउंट लिखना है इनसे हमें कितना मिल रहा है। उसके बाद मतलब सबसे पहला हो गया कैश इन बैंक, कैश एट बैंक, दूसरा हो गया एसेट रियलाइज, थर्ड पॉइंट जो है दैट इज सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स। अब आपको ये पता ही होगा कि क्रेडिटर्स में फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स क्या होते हैं। फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स को मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहती हूँ। फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स उस कैटेगरी के क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि मैंने कोई लोन लिया, मैंने कितने का लोन लिया है, मैंने लोन लिया है 1 लाख का, ठीक। लेकिन मैंने इस लोन लेने के लिए अपनी एक एसेट रख रखी है बैंक के पास, कितने की, 4 लाख की। 4 लाख की एसेट किसके पास है, बैंक के पास, और बैंक से लोन कितना लिया है, 1 लाख। तो मैं कौन सी कैटेगरी में आ गई, मतलब बैंक कौन सी कैटेगरी में आ गया, बैंक ने मुझे लोन दिया है 1 लाख का, लेकिन कैटेगरी इज फुल्ली सिक्योर्ड। यदि मैं कल के दिन मर जाऊं या पेमेंट ना कर पाऊं तो भी बैंक मेरी एसेट को बेच करके ये 1 लाख का लोन तो ले ही सकता है, ठीक है ना। बल्कि उसके पास क्या बच जाएगा, 4 लाख की एसेट बेची, 1 लाख अपने रख लिए, और उसने हमको कहा ये बच्चे आपके 3 लाख, ये क्या है, दिस इज सरप्लस, दिस 3 लाख इज वॉट, दिस 3 लाख इज सरप्लस फ्रॉम फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स, ही इज फुल्ली सिक्योर्ड। यदि इसमें लोन लेने वाला लोन का रीपेमेंट ना भी करे तो भी बैंक फुल्ली सेफ है, वो उसकी एसेट उठाएगा, बेच देगा, अपना पैसा रख लेगा, बचा हुआ आपको लौटा देगा, कहेगा लीजिए दिस इज द सरप्लस फ्रॉम योर सिक्योरिटी, ठीक। तो यदि इस तरह का कोई इसने मतलब इस टाइप का कोई क्रेडिटर के फॉर्म में है ये, तो ऑब्वियसली यदि फुल्ली सिक्योर्ड है तो कुछ ना कुछ पैसा बच सकता है, यानी सरप्लस यहाँ पे मिल सकता है, इसका डिटेल हमें क्वेश्चन में मिलेगा, राइट। मतलब इस तरह का कोई
एक चीज़ हो सकती है जहाँ से कुछ सरप्लस निकलेगा वो हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। लास्ट अमाउंट जहाँ से हमें पैसा मिल सकता है वो है हमारे शेयर होल्डर्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉज। अब ये कहाँ से आएगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ भी मान लीजिए कोई इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, लेकिन अभी इनसे कितना कॉल्ड अप है, इनसे कॉल्ड अप है बेटा ₹8 ओनली। मतलब जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो इसने कुछ शेयर्स इश्यू करे थे और वो एक शेयर कितने का था बच्चों, ₹10 का था, और अभी उसने उससे कितना मांगा है, सिर्फ 8। मतलब ₹2 भी कंपनी मांग सकती है। कंपनी कितना मांग सकती है, टोटल 10। कंपनी कितना मांग चुकी है, 8। 8 तो कॉल्ड अप है ना, 8 मांगा जा चुका है, तो कितना और मांग सकती है, 2। ₹2 मांग सकती है एक शेयर पे, तो वो ₹2 यहाँ आपसे कॉल कर रही है, वो कह रही है भाई अपने बचे हुए ₹2 दे दीजिए, ठीक। बहुत सारे जैसे मान के चलते हैं, ये हमारे कितने शेयर होल्डर्स थे, 1000 इक्विटी शेयर होल्डर्स थे। 1000 इक्विटी शेयर होल्डर से ₹2 के हिसाब से ₹2000 कंपनी ने मांगे, लेकिन अनपेड कॉल्स, एक डिफॉल्टर, एक शेयर होल्डर जिसके पास 50 शेयर्स थे, वो ₹2 नहीं देने तैयार है, तो ये कैसा हो गया, अनपेड कॉल हो गया। तो मतलब हमने सोचा था कि हमें ₹2000 मिलेंगे, लेकिन हमें कितने नहीं मिले, हमें 100 नहीं मिले, तो हमें कितने मिले, केवल 1900 मिले, और इसलिए हम इसको अमाउंट के कॉलम में डाल देंगे। क्लियर है, अनपेड कॉल को इसलिए इनर कॉलम में माइनस करना ज़रूरी है। क्यों माइनस करना ज़रूरी, क्योंकि यदि हम 2000 बाहर लिखेंगे तो हम सोचेंगे कि हमारे पास 2000 रुपीज़ आ गया है और उससे हम पेमेंट स्टार्ट कर देंगे, मगर क्या हमारे पास 2000 आया, हमने एक्सपेक्ट किया था कि 1000 शेयर होल्डर ₹2 के हिसाब से 2000 देंगे, बट वन इज डिफॉल्टर, एक नहीं देना चाहता है, उसके पास कितने शेयर्स हैं, 50, इसने 50 पे ₹2 के हिसाब से आपको ₹100 नहीं पे करे तो आपको ये नहीं मिले, तो एक्चुअली आपको कितने मिले, उतने ही अमाउंट में लिखेंगे। तो ये वाली साइड क्लियर होगी बेटा, सबसे पहले क्या लिखा, कैश इन बैंक और कैश इन हैंड से जितना पैसा आया, एसेट्स से को बेच के मार्केट में जितना पैसा आया, फिर सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी से जितना पैसा आया, और लास्ट में शेयर होल्डर से जितना पैसा आया, हमारे पास टोटल पैसा आ गया। अब हमें कहाँ ध्यान देना है, अब हमें ध्यान देना है बेटा पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में जो हमारी सबसे पहली एंट्री हो, या पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है लीगल चार्जेस। जब भी हम लिक्विडेशन करते हैं तो वी हैव टू डू सम लीगल प्रोसीजर्स। तो जब लीगल प्रोसीजर करेंगे तो ऑब्वियस है कि सम लीगल चार्जेस और एक्सपेंसेस होंगे ही होंगे, राइट। तो ये लीगल एक्सपेंसेस या लीगल चार्जेस को हम सबसे पहले पेमेंट करेंगे, ठीक। नंबर 2 इज लिक्विडेटर। भाई लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, क्योंकि वही तो ये सब कर रहा है, वही तो इन एसेट से रियलाइज कर रहा है, वही तो पेमेंट कर रहा है, तो वो कहता है भाई मैं तो नंबर 2 पे लूँगा, क्या लूँगा, अपना रेम्यूनरेशन। अब इसका जो रेम्यूनरेशन है वो 3 फॉर्म में हो सकता है, कौन कौन से 3 फॉर्म में, या तो फिक्स अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई लिक्विडेटर इज इंटरेस्टेड टू टेक ₹2000 और 3000 और 4000, वट एवर इज द अमाउंट, तो वो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे अमाउंट कॉलम में कि भाई इसको ₹3000 चाहिए अपने रेम्यूनरेशन के। या सेकंड, वो कह सकता है एक सर्टेन परसेंटेज ऑन रियलाइज्ड वैल्यू। यहाँ रियलाइज्ड वैल्यू कौन सी है बेटा, रियलाइज्ड वैल्यू तो सिर्फ यहीं से आ सकती है, ये एसेट को बेच के, यहाँ पर जो अमाउंट इकट्ठा हो रहा है उसका वो कहता है मुझे इतना परसेंट चाहिए, क्योंकि ये मैंने बिकवाया है, ये मैंने वसूल किया इन एसेट से, इस पे मुझे कुछ रेम्यूनरेशन परसेंटेज में दीजिए, तो ठीक है जितना भी। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, इन दोनों को नहीं लेना, इसको कभी रियलाइज नहीं करना पड़ता, मगर इसको रियलाइज करना पड़ता है एसेट को, इसलिए एसेट को बेच के जो मिला उस पे उसको परसेंटेज ऑफ कमीशन दे दीजिए। इसके बाद वो ये भी मांग सकता है कि मैं जितना भी किसको दे दूँ, मान लो कह रहा है मैं जितना डिबेंचर होल्डर्स को दे रहा हूँ उस पर मुझे चाहिए, या वो कह दे कि मैं जितना क्रेडिटर्स को पे कर रहा हूँ उस पर मुझे एक सर्टेन परसेंटेज चाहिए, किसी पे भी मांग सकता है। मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पैसा है,
जहाँ हम अपनी लाइबिलिटीज़ को पेमेंट कर रहे हैं उस पे भी वो रेम्यूनरेशन ले सकता है। मतलब वो तीन सोर्सेज से रेम्यूनरेशन ले सकता है, मे बी फिक्स एक्सपेंस, फिक्स चार्ज हो उसका कुछ 1000 एक्सेट्रा, या जिसने जितना उसने इन एसेट को बेच के रियलाइज़ किया उस पे वो कुछ परसेंटेज मांग ले, या पेमेंट के समय कुछ स्पेसिफिक बता दे कि 2% ऑन क्रेडिटर्स, तो यहाँ हम जितना भी क्रेडिटर्स को पे करें उसका 2% हमको देना पड़ेगा। तो इस तरह से जितना भी बनता है ये क्या कहलाता है, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। फिर हम आते हैं थर्ड नंबर पे। देखिए इसका जो सीक्वेंस है पेमेंट का वो हमें ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है बच्चों? क्योंकि जब हमारी कंपनी ख़त्म हो रही है तो हमारे पास पैसा कम है, पैसा कम है और लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, ठीक है? इसलिए सीक्वेंस का ध्यान रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको पेमेंट, उसके बाद पैसा बचा है इसको पेमेंट, फिर पैसा बचा है इनको पेमेंट, ठीक है? इसलिए सीक्वेंस का ध्यान रखना है, इसलिए हमें बार बार चेक करना पड़ता है हमारे पास पैसा है कि नहीं। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे डिबेंचर होल्डर्स। यदि इसके बाद इनको रेम्यूनरेशन देने के बाद में डिबेंचर होल्डर्स को पैसा लौटाया जाएगा, उसके बाद में क्रेडिटर्स को पैसा लौटाते हैं, तो क्रेडिटर्स को भी जब हम पैसा लौटाते हैं या जब हम इनको रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ करते हैं तब हमें एक सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि फर्स्ट वी हैव टू पे द प्रेफरेंशियल, देन वी हैव टू पे द अनसिक्योर्ड, ठीक है? प्रेफरेंशियल कौन होते हैं? देल हैव अ प्रेफरेंस, जिनको थोड़ा सा प्रेफरेंस, थोड़ा सा प्रिविलेज होता है कि भाई यदि पेमेंट की बारी आएगी तो पहले मुझे फिर आपको, ऐसा, ठीक है? क्रेडिटर्स को भी पेमेंट हो गया और पैसा यदि बचा है तो किसकी बारी आएगी? तो बारी आएगी रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटर्स, कॉन्ट्रीब्यूटर्स जिनसे कंपनी स्टार्ट हुई थी, जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन से उनको अब हम पैसा वापस कर रहे हैं। तो उसमें भी सीक्वेंस का ध्यान रखना है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है? लेकिन बेटा आपको हमेशा चेक करना है कि क्या यहाँ तक, इस स्टेज तक आते आते पैसा बचा है। मतलब क्या करना है, ये जो एसेट साइड में सारे रिसिप्ट के बाद यहाँ जो टोटल आया होगा उसमें से आपको चेक करना है कैलकुलेटर में हमेशा कि ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, अब पैसा बचा है, अच्छा बचा है तो इसको दे दो, अभी पैसा बचा है तो फिर इनको दे दो। अदरवाइज़ जिस स्टेज पे आके आपका पैसा ख़त्म हो रहा है आप पेमेंट बस वहीं करेंगे, वहीं तक करेंगे, ठीक है? ये तो हमें चूंकि आपको फॉर्मेट बताना था इसलिए हमने आपको पूरा लास्ट तक बता दिया कि यदि पैसा बचता है तो किस किस सीक्वेंस में कहाँ कहाँ तक पेमेंट हो सकती है। क्लियर है? आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ गया और पूरा क्लियर है पिक्चर, तो यदि कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे उसको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है या इसका सोल्यूशन भेज दीजिए। यदि आप ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट भेजते हैं तो मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको दे सकती हूँ, ठीक है? थैंक यू बेटा।